तो हम पहुंच चुके हैं बीरपाड़ा, और बीरपाड़ा के बारे में हम आपको बता दें कि बीरपाड़ा के बाद मदारी हाट, चामुर्ची, ये तमाम जगह हैं, और यहाँ से बच्चे बिनागुरी में पढ़ने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सरकारी स्कूल है। तो आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो बिनागुरी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और ये तमाम लोग, अच्छा किन की लॉटरी लगी? लॉटरी लगी क्या? हाँ लॉटरी लगी, ऐसे पढ़ो भाई। कितना लगा? अच्छा उनकी लॉटरी लगी, कितने की लॉटरी लगी? बस 1250 खेला है और 600, बस कुछ नहीं है। 1200 का खेले थे, खरीदे थे? हम लोग बेचते हैं तो हम लोग काहे खेलेंगे? नहीं नहीं, वो कितना जीते? वो 600 रुपया पाया, अगला चला गया। अच्छा उनको 600 रुपये पिला और वो चले गए। कितना कमा लेते हैं लॉटरी में? लॉटरी में 5000-6000 का माल होता, 7000 का। दिन में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में कितना होता है? पूरा हजिया वजेरा काट के 200-300 हो जाता है। अच्छा हाजिरा पे काम करते हैं क्या? बैठे हुए तो हजिरे ना हुआ। अच्छा क्या नाम? हमारा नाम है प्रभु शाह। तो प्रभु शाह की लॉटरी की दुकान है और यही इनकी दुनिया है क्योंकि यहीं से जो कमाते हैं उससे परिवार चलता है। इस बार विधानसभा चुनाव में दीदी या दादा? अब तो ये तो चीज़ बोलने नहीं सकेगा, ये मत का बात है ना। दीदी या दादा, मत नहीं पूछे। ओ दादा, दादा ही क्या रहेगा। दादा पसंद है इन्हें, आपको कौन पसंद है? अब हम क्या बोले, अब हम पसंद तो सभी है। दीदी या दादा, ऐसे तो सभी को तो कह रहे हैं ना, दीदी पसंद है। चलिए एक को जहाँ दादा पसंद है वहीं इनको दीदी पसंद है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, बीरपाड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं और बीरपाड़ा के लोगों का मत क्या है विधानसभा चुनाव में? इस बार विधानसभा चुनाव जो करेंगे किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या दिमाग में रहेगा जब आप बटन दबाएंगे? क्या दिमाग में रहेगा? अब जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे वोट। अब जो तो आदमी तो विकास सोचता है ना, तो बीरपाड़ा में किस चीज़ की कमी है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या क्या बदलाव चाहिए? यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है, माने बदलाव क्या हुई, पर पैखाना का जाती नहीं है, सुविधा नहीं है, उसके बाद में कल उल नहीं है, नल उल नहीं है, इस टाइप के लिए विकास चाहिए। नल नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है बीरपाड़ा में दिक्कत है जिससे आम जनता को प्रत्येक दिन लड़ना पड़ता है। दीदी या दादा? अब दीदी या दादा, जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे। अब दीदी या दादा पसंद? दादा दादा। दादा पसंद है? दीदी पसंद है। अच्छा दीदी पसंद है, एक को दादा जहाँ पसंद है वहीं दूसरे को दादा पसंद है। दीदी या दादा? दीदी 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 दादा दादा दादा। अच्छा ये दादा कह रहे हैं, ये दीदी कह रहे हैं, तो आपको दादा क्यों चाहिए और आपको दीदी क्यों चाहिए? दीदी हम लोग का पश्चिम बंगाल का उसलिए चाहिए। ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल का के लिए अच्छा है। आप हम लोग के लिए गाड़ी लाइन में कोई भी काम अच्छा करे वही अच्छा है, तो अभी तक तो दादा ही अच्छा कर रहे हैं, तो दादा का ही बारे बोलना पड़ेगा। तो दादा अच्छा बोल रहे हैं, आप बोले दीदी क्यों? दीदी दीदी के लिए बगान खुला हुआ है, वही हम लोग बगान खुला हुआ है। कितना मिलता है दिन में बगान में, कितना पैसा मिलता है? 25 KG जब तोड़ते हैं चाय पत्ती उसके बाद कितना मिलता है? जो कंपनी हम लोग को दे रहा है वही से आगे से 10-25 220 रुपये मिलता है। 220 रुपये मिलता है। दादा क्यों? दादा अच्छा है, डबल इंजन का सरकार होने से अच्छा होगा। डबल इंजन का सरकार, पर मुझे एक बात बताइए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि दीदी अच्छी है, दीदी ने बंगाल में बहुत कुछ किया है, फिर बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव तो चाहिए, सबको चाहिए बदलाव। बदलाव सबको चाहिए, आपको बदलाव चाहिए क्या? हमको तो हम दीदी चाहिए। हाँ दीदी को चाहिए। दीदी को चाहिए, दीदी को क्यों चाहिए? दीदी अनेक गरीब लोग उपकार करते हैं, जिन दीदी की चाहिए कन्याश्री रूपश्री। আপনি পেয়েছেন? হ্যাঁ আমার ভাস্তি পাইছে। কত টাকা? 25,000 পাইছে। তো কন্যাশ্রী ইনকো মিলা হ্যায় ইসিলিয়ে দিদি ইনে পছন্দ হ্যায়। আপকো কোন পছন্দ হ্যায়? বড়া বড়া হামকো সব বললা তো বল। ঠিক আছে ঠিক আছে। আপ লোগো কে লিয়ে হি আয়ে হ্যায় হাম লোগ ইতনি দূর সে। আপ লোগ নাহি বোলেঙ্গে তো ইয়ে গলত হোগা। আরে হামকো সব কুছ ঠিক হ্যায়। দিদি ইয়া দাদা दोनों ठीक है। दोनों ही ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, दोपहर का वक्त है, लोग खाने के लिए यहाँ पे जुटे हैं और उनका क्या कहना है, खाते हुए बात करते हैं। क्या खा रहे हो? खाना क्या खा रहे हो? चिकन। चिकन खा रहे हो? चिकन पसंद है? हाँ चिकन पसंद है। हाँ अच्छा क्या युवा हो? मालूम नहीं है। तमिल? यू आर फ्रॉम तमिलनाडु? हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है? थोड़ी थोड़ी। हिंदी समझ में आता है? हाँ। चल ठीक है, तमिलनाडु की है तो ये ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। परिवर्तन आवश्यकता है बंगाल में? नहीं 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 बोल रहा। क्या लगता है
दूसरा बंगाल में क्या हो सकता है? बंगाल में अब 6 तारीख के बाद ही बुझा जाएगा। 6 तारीख के फोन आ रहा है। 6 तारीख गलत सर, दो तारीख के बाद ही सोच में। अभी देखिए, अभी आदमी का मन का बात है, अभी किसको जीता है पसंद, दीदी या दादा? नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। सॉरी मैडम, हम लोग रिपोर्टर है। हम लोग रिपोर्टर है मैडम। रिपोर्टर है, चलिए तो ठीक है, रिपोर्टर है तो रिपोर्टर की अपने कुछ बाइंडिंग्स होते हैं जिसका हम सम्मान करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम बीरपाड़ा में हैं। ये बीरपाड़ा की खुली हुई सड़कें आप देख सकते हैं। यहाँ पे चाय बागान में, अच्छा क्या नाम है भाई? अच्छा ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ और लोगों से हम बढ़ते हैं, दोपहर का वक्त है, ज़्यादा लोग इस वक्त नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम चलते हुए जयगांव तक का जो सफ़र हम तय कर रहे हैं उस बीच में जितने भी जगह पड़ रहे हैं उन लोगों से हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बैठ जाएं, दोपहर का लंच हो गया? हाँ हो गया। क्या खाए आज लंच में? भात दाल सब्जी। बस खिचड़ी की सब्जी खाए? सब्जी खाए, सजना की सब्जी खाए थे। सजना तो बहुत बढ़िया चीज़ होता है ना। ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दा होगा वोट करने का? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा। विकास के मुद्दे के लिए बेहतर कौन है, दीदी या दादा? ठीक है, विकास तो हो ही रहा बंगाल में, क्या बोले। नहीं तो पसंद कौन है ना? साइलेंट वोटर है, हम लोग बोलेंगे नहीं, बोलना। साइलेंट वोटर है। अब बंगाल में आपको बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे जो साइलेंट वोटर होते हैं। इनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है लेकिन जुबान इन्हें इजाज़त नहीं देता है खुल के कुछ बोलने के लिए। साइलेंट वोटर का मतलब अब आप ही तय कीजिए कि साइलेंट वोटर कौन है। आप भी साइलेंट वोटर में से हैं? साइलेंट साइलेंट पार्टी सब एक ही है जो अच्छा काम करे। सब एक कहाँ है? देखिए पार्टी किसी का कमल है, किसी का तीन फूल है। पार्टी तो सब एक ही है ना, सब एक ही है, लेकिन जो अच्छा काम करके उसको देंगे। अच्छा काम किए या मौका देना चाहिए? तो सब वही है, सब पार्टी तो सब वही है जो एक ही रट लगा रहे हैं कि पार्टी सभी एक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? संजय दास। संजय, युवा हो, पढ़ाई लिखाई हो गई है? जी कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो? सेकंड ईयर। तो क्या लगता है कि कॉलेज, जैसे युवा लोग चाहते हैं कि बंगाल में अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, नौकरी की व्यवस्था हो, तो क्या लगता है तुमको कि ये सारी चीज़ें हैं अपने बंगाल में? जी अभी तो दीदी है तो सब हो रहा है। अभी अगर देखा जाए आगे, अगर दादा आएगा तो क्या करेगा। दीदी पसंद है या दादा पसंद है? पसंद तो दोनों ही है। एक पसंद होता। साइलेंट वोटर हूँ मैं। नाम बताओ। संजय दास। संजय दास खुद को साइलेंट वोटर बता रहे हैं, कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। हमने आपको शुरुआत में कहा था कि अधिकतर लोगों से जब हम बात करते हैं, लोग जब हमसे बात करते हैं ऑफ द कैमरा कुछ कहते हैं लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो वो खुल के अपने पक्ष को सामने नहीं रखते हैं और एक चीज़ में, एक कम शब्दों में पूरी दास्तान कह देते हैं कि वो साइलेंट वोटर है। बीरपाड़ा की यह तस्वीर है, दोपहर का वक्त है, सड़कें सुनी है, आदमी आपको गिने चुने ही नज़र आएंगे लेकिन ये देख सकते हैं ये एशियन हाईवे कुछ ही महीने पहले ही पूरी तरह से ये बन के तैयार हुआ है। एशियन हाईवे के भी लगे हाथ हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दें। बाजार का ये इलाका है, चौरस्ता मोड़ कहा जाता है यहाँ इस इलाके को, और अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ से रेसिडेंशियल एरिया भी शुरू हो जाएगा। बीरपाड़ा में अधिकतर लोग चाय बागान में काम करने वाले आपको मिलेंगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ अर्निंग। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं इससे पहले कि ट्रैफिक खुल जाए। सर क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं इतनी धूप? कोचिंग छोड़ने जा रहे हैं। कोचिंग छोड़ने जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? सचिन कुमार शर्मा। पढ़ाई कंप्लीट हो गई? नहीं अभी क्लास 8 में है। 8th में। और आप क्या कर रहे हैं सर? नौकरी वोकरी तो कर ही रहे होंगे? बागान में काम कर रहा हूं। बागान में कितना कमा लेते हैं बागान में? वही 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार महीने का? हाँ। तो ये तो शोषण नहीं है, 4-5 हज़ार में क्या होगा? अब इसी से चलता है, बाहर तो काम नहीं मिला। काम नहीं मिला, परिवर्तन चाहिए बंगाल में कि दीदी नहीं, दीदी ही चाहिए ना? हम लोग के लिए तो दीदी ही ठीक है। क्या नाम है? रोहित। रोहित चाय बागान में काम करते हैं, महीने में 4-5 हज़ार कमा लेते हैं, जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता है और कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं चाहिए, दीदी ही चाहिए, और फिर कहते हैं कि हम साइलेंट वोटर हैं। बीरपाड़ा में ऐसा मंजर देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे अधिकतर लोग खुद को साइलेंट वोटर बना रहे हैं। देखिए ये सड़कें हैं और यहाँ पे देखिए पोस्टर्स भी पार्टी की आपको कम ही नज़र आएंगी।
टोटो वाले भाई से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? सपन सेन। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट तरफ जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हैं। बोनी हुआ है कि नहीं हुआ है? कितना कमा लिया? 200 रुपये जैसे होगा। 200 रुपये कमा लिए? 200 रुपये में दिन भर में कितना कमा लेते कि परिवार चल जाए? ठीक नहीं है, कभी 400 भी होता है, कभी 500-600 भी होता है। काम का ऊपर हो जाता है, काम का ऊपर जैसे ड्यूटी करेंगे वैसे होंगे। अच्छा, तो ये खुद का आपका टोटो है या मालिक का है? नहीं, हमारा है, खुद का है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो हमारा 2 लड़का है, बीवी है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, छोटा है 11 साल और 7 साल का है। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए बंगाल में। दीदी को रहना चाहिए कि दीदी को जाना चाहिए? वैसे तो मैं कैसे कहूँ, मुझे अभी तो पसंद कौन है आपको? दीदी पसंद है या दादा पसंद है? नरेंद्र मोदी जी पसंद है या मुख्यमंत्री जो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी है वो पसंद है? ना, पसंद तो हमको दोनों ही है, लेकिन तो भी ऐसा हम पसंद ना एक होती है, पसंद दो नहीं होता। अभी किसको ना कहूँ, तो भी ऐसा हम लोग दादा के ऊपर में ही है। तो दादा पे भरोसा है, एक टकटकी लगाए बैठे हैं, इन्हें उम्मीद है कि दादा आएंगे तो परिवर्तन होगा। दादा आएंगे तो परिवर्तन होगा? पता नहीं, हो तो हम लोग तो इस बार पाले देने वाले हैं वोट, वो तो मालूम नहीं है। कैसा लग रहा है, एक्साइटेड हो पहली बार वोट? हाँ, पहली बार बोल के तो एक्साइटेड है। धक्का लग जाएगा, फिर से ट्रैफिक खुल जाएगा, ऐसे सड़क पे स्टंट क्यों कर रहे हो? जी पहली बार हम लोग तो देने वाले हैं, तो हाँ, तो खुश तो जरूर होंगे ना, किसी ना किसी में तो देना पड़ेगा। बंगाल में युवाओं के लिए नौकरी है, पढ़ाई की व्यवस्था है? पढ़ाई का तो व्यवस्था है, लेकिन क्या युवाओं का अभी बारे में तो क्या बोलेंगे? अभी जैसे हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। रुक जाओ भाई, क्या लग रहा है, दीदी इस बार आनी चाहिए कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को मौका देना चाहिए? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि दीदी ही जीते। दीदी ही जीते? जी हाँ, दीदी ही जीते। हा? दीदी ही जीते। नाम? रेहान। रेहान, ओस्कर, ओस्कर, तोशकर और रेहान। तोशकर, पहले बार ऐसा है कि ये वोट देंगे, अपने मताधिकार का ये प्रयोग करने वाले हैं, इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वही रेहान टी गार्डन वर्कर है, और इन दोनों को ही लगता है कि परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका समर्थन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ है। दादा? दादा। दीदी या दादा? दादा। दादा क्यों? अच्छा, ये भगवान रंग का टी शर्ट भी पहने हैं आप, इसीलिए दादा के लिए क्या? नहीं नहीं। हाँ, और आप तो दीदी वाला कलर पहने हैं। दादा चाहिए लेके? कलर से क्या होगा, कलर से क्या होता है, दिल में दादा है, परिवर्तन होना चाहिए ना। क्या नाम है? क्या नाम? बबलू राव। बबलू, क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री। काठ मिस्त्री है। बबलू को लगता है कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल में तो दादा ही बसते हैं। भीड़पाड़ा में इस वक्त News 24 की टीम मौजूद है, मेरे साथ कैमरा पर्सन रियांशी लगातार बनी हुई है, और एक एक चीज को खूबसूरती से हम कैद कर रहे हैं, ताकि एक भी चीज़ हमारे दर्शकों के आंख से बचनी नहीं चाहिए। तमाम चीज़ें, ये विजुअल्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भीड़पाड़ा की है। भीड़पाड़ा में हम फिर से बता दें कि यहाँ पे लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन टी गार्डन वर्कर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन रियांशी चंदा के साथ मैं मनु कृष्णा, News 24।